कैसे हैं सब? मजे में? ओके, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसके बाद चार्ज्ड डिस्क के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर हम लोग देखेंगे मेटालिक जो स्फेयर होता है या फिर मेटालिक कोई भी सब्सटेंस होता है उसमें किस तरह से चार्ज का इंडक्शन होता है, और उसके बाद सॉलिड जो है या हॉलो हेमिस्फेयर या सॉलिड हेमिस्फेरिकल मेटालिक चार्ज्ड बॉडी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे उसके सेंटर पर, और अच्छे अच्छे टॉपिक्स। आज का जो पूरा टॉपिक है दिमाग में बैठा लो कि नीट वाले जो स्टूडेंट हैं यानी कि मेडिकल स्टूडेंट, मेडिकल जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बस देख लो चीज़ें हो रही है क्या नहीं हो रही है, कोई मतलब है नहीं ज़्यादा मैथमेटिकल आज का टॉपिक है। रिजल्ट्स पता होने चाहिए, जो रिजल्ट्स बाद में मिलते जाएगा वो ठीक है, अगर पता रहे तो ठीक है, नहीं पता रहे तो बहुत बड़ा टेंशन नहीं है लेना है उसके लिए। सेकेंड चीज़ है जो एडवांस के स्टूडेंट हैं उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो लेक्चर में बढ़ेंगे आगे वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर जितनी भी चीज़ें होनी थी कूलम्स लॉ के बेस पर हम आज एक्सट्रीम लेवल पर पहुँच जाएंगे ठीक है। और इसके बाद हमें और भी चीज़ों को जानने के लिए हमें कहीं ना कहीं गॉस लॉ का यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि कूलम्स लॉ उतना ज़्यादा सफिशियंट नहीं रह पाएगा या उतना इफेक्टिव नहीं रह पाएगा कि हम उसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन कर पाए। तो आज कुछ कुछ न्यूमेरिकल भी होंगे और कुछ अच्छे डिस्कशंस भी होंगे कुछ कुछ अच्छे टॉपिक्स के ऊपर, थोड़ा ध्यान से समझना है आज, थोड़ा पेशेंस फुल्ली समझना है चीज़ों को। अगर समझ में नहीं आए तो भाई वीडियो को पीछे रिवाइंड करो और उसको देखो ठीक है ना, बार बार देखो जिससे कि समझ में आने लगे चीज़ें। थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ में नहीं भी आ सकती है, वो बस इसलिए होगा क्योंकि दिमाग को बस जितना शांति से देखोगे उतना मज़ा आ जाएगा है ना। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, पढ़े हुए ही हैं वैसे भी फिर भी हम आज रिकॉल कर दे रहे हैं, और आज हम ट्यूबलाइट बंद कर दिए ये वाला, तो यहाँ पर कुछ आएगा नहीं है ना, थोड़ा ध्यान से देखना ठीक है, जरूरत पड़ा तो हम शायद ऑन भी कर देंगे। तो यहाँ पर हमें सीखना है सबसे पहला था सरफेस चार्ज डेंसिटी ठीक है, इसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं ना, सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो ये क्या होता है कि कितना ज्यादा, मान लेते हैं कोई सरफेस है, ये थिन फॉइल है, इसके ऊपर चार्ज हमने रखा हुआ है ठीक है, तो इस पे हमने मान लेते हैं चार्ज क्यू है और इसका एरिया ए है, तो हम बोलेंगे चार्ज पर यूनिट एरिया को बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। या फिर अगर हम बोले कि छोटा सा सेक्शन काट लेते हैं, इसका एरिया हम बोलते हैं, इसका एरिया है डी ए और इस पे चार्ज है हमारा डी क्यू, तो छोटा सा चार्ज बाय छोटा सा एरिया इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी ठीक है, डी क्यू अपॉन डी ए ठीक है। तो हम ये भी लिख सकते हैं, यानी कि अगर हम ये बात तभी लिखेंगे जब मेरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, ये बात तभी लिख सकते हैं, ये किसके लिए लिख सकते हैं, फॉर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज ठीक है। तो अगर नहीं है यूनिफॉर्मली तब तो फिर हमको वही करना पड़ेगा, छोटे छोटे एरिया का हमको फिर लिखना पड़ेगा डेंसिटी कितना है, तो उसी के बारे में बात करें, चार्ज डेंसिटी ये हो गया सरफेस चार्ज पर यूनिट एरिया। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, देखो कूलम पर मीटर स्क्वायर होगा ना, यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत है, डायमेंशन वगैरह हम लोग समझ सकते हैं ये क्या होता है। अगर हम मान लेते हैं कि कोई एक मेरे पास मेटालिक स्फेयर है या मेटालिक बॉडी है, तो हम शुरुआत में ही ये कंडीशंस बताए थे कि जहां पर छोटा सा है ना रेडियस बनेगा वहां पर ज्यादा चार्ज इंट्रोड्यूस होगा, यहां पर देखो और इतना बड़ा सा रेडियस बन रहा है, यहां पर थोड़ा ज्यादा चार्ज होगा, यहां पर देख लो इस तरह से करके बड़ा रेडियस बन रहा है, यहां पर जितना बड़ा रेडियस होता जाएगा उतना छोटा चार्ज, यानी उतना कम अमाउंट ऑफ चार्ज आते जाएगा, यहां पर चार्ज का इंटेंसिटी या फिर चार्ज का कंसंट्रेशन कम रहेगा। सिमिलरली यहां पर हम देख सकते हैं कि इसका रेडियस थोड़ा इससे बड़ा छोटा है, यहां पर ज्यादा चार्ज जाएंगे यानी कि इसकी डेंसिटी, फिर यहां पर ज्यादा चार्ज आएगा थोड़ा सा है ना, यहां पर भी आएगा चार्ज, फिर यहां पर नहीं के बराबर चार्ज, क्योंकि इसका देखो कितना बड़ा सा सरफेस बनेगा, तो इस हिसाब से हम लोग चार्ज को इंट्रोड्यूस करते थे। इसके हिसाब से हम लोगों ने सीखा था कि सिग्मा जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, ये था
इस तरह से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कोई भी इरेगुलर शेप के सरफेस के ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर के हिसाब से होगा। ये आर जो था लोकल रेडियस है ना। चलो जल्दी से कॉपी करो इसके बाद, है ना, अब आगे बात करेंगे। कंडीशन लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड डिस्क, ठीक है, चार्ज्ड डिस्क के कारण। मान लेते हैं कि मेरे पास कोई एक सर्कुलर प्लेट है, है ना, उसके ऊपर पूरे प्लेट पर चार्ज है ना। सपोज करते हैं ये सर्कुलर प्लेट है और इसके सरफेस पर हर जगह पे चार्ज है। कितना चार्ज है, तो चार्ज डेंसिटी इसका पता है अब हमको, सरफेस चार्ज डेंसिटी अब इस तरह से दिया रहेगा सिग्मा, या फिर पूरा चार्ज बाय इसका एरिया हमको अगर रेडियस दिया हुआ है तो वो हमको पता है। समझ आ रहा है ना बात, कि सिग्मा क्या हो गया भाई, टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया, तो ये हम लिख सकते हैं। तो हमको जानना है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, इस देखो ये दिख रहा है सर्कुलर डिस्क, इसके कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हमको, यहां पर देखो एक्स, इसके सेंटर से यहां बाहर, यहां पर, अरे बस समझ में, इसके सेंटर से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इसका जो रेडियस है कैपिटल आर मान लेते हैं, और इसके सेंटर से किसी एक्स डिस्टेंस पर, जैसे हम लोग सर्कुलर रिंग के कारण निकाले थे ना, सर्कुलर रिंग के कारण सेंटर पर यहां पर एक्सिस पर, उसी तरह से इसके भी एक्सिस पर यहां पर निकालना चाहते हैं। चलो निकालते हैं एक एक करके, हम उस पिक्चर को थोड़ा टिल्ट कर दे रहे हैं ऐसे, है ना। तो ये देखो इस तरह का सेक्शन बनेगा, बन जाएगा क्या, देखो बोलेगा कुछ इस तरह से, ठीक है। तो इसके सरफेस पर चार्ज है और हम इसके सेंटर से किसी डिस्टेंस एक्स पर हम जानना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कितना होगा, है ना। तो चलो हम इस पिक्चर को हम इरेज कर दे रहे हैं क्योंकि हमको इसका जरूरत है नहीं। तो सीधी सीधी बात है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड इस पूरे डिस्क के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर इस जगह पर निकालना चाहते हैं और कूलम्ब लॉ की हेल्प से निकालना चाहते हैं। तो कूलम्ब लॉ तो कहते हैं भाई हमको पॉइंट चार्ज चाहिए, और ये तो पूरा का पूरा एक सीट बन करके आया है, मेटालिक सीट है ये, नहीं निकाल सकते। हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, इसका छोटा सा आर डिस्टेंस पर जाकर के हम एक छोटा छोटा रिंग के तरह काट लेते हैं इसको, ऐसे ऐसे आर डिस्टेंस पर जाकर के एक रिंग शेप का इस तरह से डी आर विड्थ का, है ना, रिंग काटना स्टार्ट करते हैं, ऐसे छोटे छोटे पीसेस में काटना स्टार्ट करते हैं। और हर एक रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता है इस एक्सिस पर कितना होता है, रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बन, याद है ना, एक्सिस पर कितना बनता था, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर रेस टू दी पावर 3/2, ये था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, है ना, जबकि इसका रेडियस आर था, ये ना था, और ये एक्स था, और इस पर चार्ज था पूरा क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग एट एक्सिस इज गिवन लाइक दिस, है ना, ये तो फॉर्मूला हम लोग को पता है। तो हम इसे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं अब इस पॉइंट पर, और हम ये भी सीखे थे कि रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अल्टीमेटली सारा का सारा बाहर की तरफ आता था, जिसको हम लोग ऐसे बोले थे ना, याद है, ऐसे सारा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ बनता था, क्योंकि बनता था डी कॉस थीटा, है ना, डी ऐसे बनता था, डी कॉस थीटा इधर आता था, सारा डी कॉस थीटा को जोड़ दिए थे, तो सारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस रिंग के कारण इधर की तरफ ही आएगा। तो जस्ट लाइक दैट अगर हम बोले कि इस रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा वो छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, उसको कह देंगे डी, और वो डी कितना होना चाहिए, ये डी कितना होना चाहिए, देखो तो क्या है, डी के चार्ज किसका, रिंग का, यहां पर इस रिंग के चार्ज को हम कहते हैं डी क्यू है, इसका चार्ज कितना है डी क्यू है, तो के डी क्यू अपॉन, और ये एक्स क्या था, सेंटर का डिस्टेंस, जो कि अभी भी सेंटर से इसका डिस्टेंस एक्स ही दिख रहा है, एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर क्या था, तो आर से एक्स का ये ना था, आर स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर रेशियो 3/2, जस्ट लाइक दैट स्मॉल आर और ये एक्स हो जाएगा, स्मॉल आर स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर रेशियो 3/2, ये बन गया इस रिंग के कारण, इस छोटे से जो एलिमेंटल रिंग बना है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया यहां पर इतना। ये क्या बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंटल रिंग, है ना, दैट इज इक्वल टू व्हाट, के इतना इतना। अच्छा अगर हम इसको लिखना चाहते हैं के
डी क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर रेस्ट पर थ्री बाय टू। अब ये डी क्यू क्या हो जाएगा, तो डी क्यू क्या हो जाएगा, हम अभी सीखे हैं कि सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो डी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू डी ए हो जाएगा, तो सिग्मा इंटू इसका एरिया। अब इसका एरिया क्या हो जाएगा भाई, इसका लेंथ कितना है, देखो तो 2 पाई आर लेंथ है और विड्थ है डी आर, तो क्या बनेगा 2 पाई आर इंटू डी आर, ये हो गया इसका चार्ज, तो चार्ज की जगह पे वही पुट कर देते हैं, तो डी ई जो बन गया वो आ गया हमारे पास के डी क्यू की जगह पे लिख देंगे सिग्मा 2 पाई आर इंटू डी आर इंटू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर रेस टू दी पावर 3 बाय 2। और अगर हम ई नेट निकालना चाहेंगे तो हम कहेंगे भाई इसी को इंटीग्रेट कर दो, तो अगर हम इसी को इंटीग्रेट करेंगे तो जो जो चीज कांस्टेंट है पकड़ के बाहर निकालो इसका, तो के तो भाई वही 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 है, वो तो कांस्टेंट आ गया, सिग्मा हम बोल रहे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, तो सिग्मा मेरे पास बाहर आ गया 2 पाई बाहर है, के जगह पे हम लिख सकते हैं क्या 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, कम से कम 2 पाई से तो कट जाएगा है ना, तो के का जगह पे इतना बन गया के सिग्मा 2 पाई। एक्स भी देखो सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस एक्स फिक्स है फॉर दिस पर्टिकुलर पॉइंट, तो एक्स भी मेरा बाहर आ जाएगा, जो अंदर में बच रहा है मेरे पास बच रहा है आर डी आर बाय आर स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर रेस टू दी पावर 3 बाय 2। आरी बात समझ में, तो बहुत इजी था ये, 1 है यहां पर 16 मत समझ लेना, बाकी 2 पाई से 2 पाई खत्म हो जाएगा, तो मेरे पास जो रिजल्ट आया है वो है सिग्मा एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, सिग्मा एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 आर डी आर बाय इतना इतना। हम एक काम करते हैं इंटीग्रेशन में लिख लेते हैं आर डी आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर रेस टू दी पावर 3 बाय 2। अब इसको सॉल्व करना, इस इंटीग्रेशन को हमको सॉल्व करना है, चलो हम इसको इरेज कर दे रहे हैं ठीक है, इस वाले सेक्शन को इसको भी। अब इस इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो मान लेते हैं इस छोटे से जो नीचे वाला है हम इसको मान लेते हैं टी है, ये कितना है टी नहीं टी स्क्वायर मानते हैं ना इसको, तो आर स्क्वायर प्लस में जो एक्स का स्क्वायर दिख रहा है हम इसको टी स्क्वायर मान लेते हैं, लेट कर देते, तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे दोनों साइड है ना, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि आर वेरिएबल है जीरो से लेकर कैपिटल आर तक वेरी करेगा, तो इसका डिफरेंशिएट करेगा तो 2r into dr बन जाएगा, x कांस्टेंट था इसलिए जीरो, और यहां पर बनेगा 2t into dt, तो r dr के जगह पर लिख सकते हैं t dt, आरी बस वन, तो r dr के जगह पे हम लिख सकते हैं t dt। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वेलोस निकालना चाहते हैं तो वो कितना बन रहा है, देखो तो सिग्मा x अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 सिग्मा x अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 और r dr के जगह पे लिख सकते हैं t dt अपॉन यहां पर t स्क्वायर आ जाएगा क्या, r स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर जगह पे t स्क्वायर रेस टू द पावर 3 बाय 2, स्क्वायर स्क्वायर खत्म हो गया तो बच गया क्या सिग्मा x अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, यहां पर t का क्यू बचेगा और t खत्म हो जाएगा तो अंदर बचेगा dt अपॉन t का स्क्वायर। अब इसका सॉल्व करोगे तो 1 अपॉन माइनस में t आ जाएगा ना, तो सिग्मा x अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इसका इंटीग्रेशन माइनस में 1 अपॉन t आता है, कितना आता है तुम लोग को ये भी पुट किया है इंटीग्रेट किया है, अब t तो था नहीं है ये, तो t की जगह पर फिर से इसको पुट कर सकते हैं यहां से, तो सिग्मा x अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 दिख रहा है यहां पर जाएगा माइनस 1 अपॉन रूट ओवर x का स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर, इसको हम यहां से हटा करके इधर ही लिख लेते हैं सिग्मा x अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 माइनस में 1 अपॉन रूट ओवर x का स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर आ जाएगा। अब x तो फिक्स है r में हमको लिमिट लगाना है, तो इस r का वैल्यू क्या है 0 से लेकर कैपिटल r तक चलेगा ये, तो 0 से लेकर के कैपिटल r तक चला, अपर लिमिट पुट करेंगे और लोअर लिमिट पुट करेंगे, पहले हम लोअर लिमिट पुट करते हैं ताकि ये कंसन 0 के जगह पर यहां पर माइनस का प्लस हो जाएगा, तो सिग्मा x अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 अगर 0 पुट करेंगे r के जगह पे 0 हो जाएगा तो 1 अपॉन रूट ओवर x के जगह 1 अपॉन x आ जाएगा, और यहां माइनस में रूट ओवर x का स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर आ जाएगा। अब अगर हम x को पुट कर दें यहां पर तो क्या हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 1 माइनस में x अपॉन रूट ओवर अच्छे से लिख सकते हैं r स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर,
और बेटर तरीके से इसको लिख सकते हैं। बेसिकली ये हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ चुका है जो कि ज्यादातर यूज होता है, लेकिन हम इसको यूज करेंगे वन माइनस में। ये देखो क्या है, एक्स एक्स देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस एक्स है क्या, आई बस में एक्स तो भाई सेंटर से इस पॉइंट पी जहां पर कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं इस पॉइंट पी का तो लेंथ है। हम एक और चीज देख सकते हैं, ये हमारा आर है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस है हमारा रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर है और हम इस एंगल को थीटा कह रहे हैं। तो देखो तो कॉस थीटा आ रहा है क्या, एक्स अपॉन दिस वन यानी एक्सट्रीम पॉइंट से एक्सट्रीम एज से इस पी पॉइंट का एंगल कितना बन रहा है थीटा, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, कॉस थीटा। ठीक है तो चलो कॉपी कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आ गया, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो वन माइनस में कॉस थीटा। फिर से देखो हम कुछ नहीं किया, छोटे छोटे एलिमेंटल रिंग काटे उनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम जानते थे ये बनेगा डी, डी का वैल्यू इतना हो गया तो वही लिखे एलिमेंटल रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इतना, तो बहुत सारे रिंग कटेंगे सबका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिए यहाँ पर और सबको धर के जोड़ दिए। कुछ थोड़ा सा इंटीग्रेशन का स्टेप्स था जिसको हम यूज किए, कॉपी करो सॉल्व करो और ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए अल्टीमेटली क्या होता है, सिग्मा अपॉन टू ऑप्शन याद ही हो जाएगा। देखो अरे ट्यूबलाइट जलाना पड़ गया क्योंकि वो लाइट आ रहा था, मतलब कम आ रहा था लाइट। ठीक है क्या करोगे, चलो फिर से देखो ध्यान से आगे, अभी क्या क्या सीखे हैं कि एक मेरे पास डिस्क था, इस एक्स पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे थे, ये डिस्टेंस हमारा आर है और यहां से यहां तक का एंगल थीटा हम मान के रखे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर आउटसाइड आएगा वो कितना बना, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो वन माइनस में कॉस थीटा, है ना, दिखा सही है, चलो बच गया आई थिंक, यहां से यहां तक नहीं दिखना हमको, है ना। ठीक तो ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। अब कुछ केसेस पर बात करते हैं, कुछ केस से बात करते हैं। केस नंबर वन, अगर हम बोल दें कि एक्स हमारा, अच्छा इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को और बेटर तरीके से सकते थे, अभी अभी जैसे दूसरा तरीका सीखा था, टू अपॉन जीरो वन माइनस में एक्स अपॉन रूट ओवर इतना, है ना, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस ही हो जाएगा, तो रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर जाएगा। आ रही बात समझ में, तो हम पहला केस ले रहे हैं कि व्हेन एक्स अप्रोचेस टू जीरो, अगर एक्स अप्रोच करेगा जीरो को, तो एक्स अप्रोच करेगा जीरो को ये पूरा का पूरा टर्म ही लगभग लगभग जीरो बनेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्रोच करेगा सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो, यानी कि एक्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट जस्ट, अगर हम बोलते हैं डिस्क है इसके जस्ट आउटसाइड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड आएगा सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो, तो दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड ऑफ चार्ज डिस्क इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो, ये आ रहा है यहां पर, केस वन हो गया। केस टू पे बात करते हैं, फॉर इनफाइनाइटली लार्ज, है ना, चार्ज्ड सीट, चार्ज सीट, अगर ये इतना बड़ा हो कि कहने को नहीं, बहुत बड़ा हो, इसका मतलब क्या हो गया, आर अप्रोच करेगा तब इंफिनिटी को, अगर ये खूब बड़ा इंफिनिटली लार्ज सीट है तो आर हमारा बहुत लंबा हो गया आर अप्रोच करके इंफिनिटी को, और अगर आर इंफिनिटी को यूज करेगा तो ये देखो नीचे का टर्म बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो फिर से टोटल टर्म जीरो हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, फिर सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो आ जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, यहीं पर लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो, यानी कि सरफेस पर भी कितना, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो, अगर ये पूरा बहुत बड़ा हो जाए तब फिर से ये पॉइंट लगभग लगभग सरफेस की तरह हो जाएगा, मतलब इसके ये, अरे सोचो ये आर बहुत बड़ा हो गया तो एक्स क्या बचेगा, कुछ तो बचेगा नहीं, बहुत एक्स अप्रोच करेगा फिर से जीरो की तरह, दोनों का दोनों केस एक तरह से घुमा फिरा करके एक ही हो गया। ठीक है तीसरे केस पे बात करते हैं, केस नंबर थ्री, है ना, इस कंडीशन पे मान लेते हैं कि मेरे पास एक इस तरह से
और वो कट है यहां पर, ए है और ये बी है, और इसी में सिर्फ चार्ज है। कह रहे भाई इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के दिखाओ फिर से एक्सियल पॉइंट पर। तो यहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एक्सियल पॉइंट पर यहां पर। तो कैसे निकालेंगे? तो हम कहते हैं भाई पूरा बाहर वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा उसमें से ये अब हिस्सा नहीं बना पाएगा, तो बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में से इस वाले हिस्सा का इलेक्ट्रिक फील्ड घटा देते हैं, मेरा काम बन जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा वो क्या बनेगा? E bigger minus में E smaller कह सकते हैं। एक तो ये तरीका हो गया सोचने का। दूसरा तरीका हम क्या सोचते हैं यहां पर, दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं इसको, नहीं समझ में फिर सुनो ये कैसे लिखे। हम बोल रहे कि भाई अगर हम ऐसे बोले कि ये बाहर वाला ने है ना ऐसे करके, अगर ये पूरा का पूरा पॉजिटिवली चार्ज्ड है इसके कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनने वाला है, वो यही बनेगा। लेकिन अब हम कह रहे हैं इतना सा हिस्सा नहीं है तो इसने इसने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाना है, तो भाई पूरा में इतना सा हिस्सा घटा देंगे तो मेरा काम बन जाएगा। एक तो ये आसान तरीका हो गया, लेकिन दूसरा अप्रोच क्या है सोचने का जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम एक काम करते हैं, ये पूरा का मान लेते हैं पूरा का पूरा, ये सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा जो अभी समझा रहे हैं, ये तो चलो ठीक है हम लोग समझते आए हैं तो इसलिए समझ में दिया जल्दी से। अभी हम नया चीज सिखा रहे हैं कि मान लेते हैं कि मेरे पास एक ए डिस्टेंस का, सॉरी ये बी डिस्टेंस का, बाहर वाला बी है, तो बी डिस्टेंस का एक बाहर वाला एक डिस्क है जो पॉजिटिवली चार्ज है। हम क्या करना चाहते हैं इसमें ए रेडियस का, ए रेडियस का एक निगेटिवली चार्ज प्लेट को इसमें जाकर के बीचों बीच रख देना चाहते हैं। फिर सुनना मेरी बात को, प्लस वाले का जो प्लस वाला जो डिस्क है उसमें हम ए रेडियस का निगेटिव चार्ज वाला डिस्क को उठा करके रख देना चाहते हैं। तो कम से कम इससे क्या रिजल्ट बनेगा कि भाई ये प्लस वाला जितना भी साथ था उसको ये निगेटिव वाला न्यूट्रलाइज कर लेगा, यानी कि इस वाले सेक्शन में यानी ए रेडियस वाले में कोई चार्ज ही नहीं रहेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? फिर समझो, इस बी वाले में ए वाले को उठा करके हम रख देंगे तो यहां पर जितना चार्ज है उतना, क्योंकि ये जितना डेंसिटी, ये भी सिग्मा डेंसिटी का, ये भी सिग्मा डेंसिटी का, बस में प्लस सिग्मा है इसमें माइनस सिग्मा हम रख दे रहे हैं, तो सेम डेंसिटी वाला को हम यहां पर रख देना चाहते हैं। जितना भी इस एरिया में चार्ज होगा उसको ये निगेटिव वाला न्यूट्रलाइज कर देगा, ऐसा बन जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको जानना है तो हम अब क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रहा है यहां पर वो E प्लस वाले के कारण जो आ रहा है, अब प्लस में E माइनस वाले का जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, तो बात घुमा फेरा करके वही हो गया। तो यानी कि बस ये सोचने का तरीका अब हम क्या नया इंप्लीमेंट किए हैं कि निगेटिव वाले को वहां पर रख देना है, ठीक है। तो अब ऐसे सोच सकते हैं तो भाई इस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, तो सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो वन माइनस में एक्स अपॉन इसका क्या बी स्क्वायर है ना, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट ओवर बी स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस में सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो वन माइनस में एक्स अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। और अगर हम सॉल्व करेंगे तो सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो दोनों में कॉमन आ रहा है और ये माइनस वन और ये माइनस वन तो खत्म हो जाएगा, सॉरी प्लस वन यहां बचेगा और यहां माइनस वन बचेगा तो खत्म हो जाएगा। अब माइनस माइनस ये प्लस बचेगा, तो अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो हमको एक्स भी कॉमन आता हुआ दिखेगा, तो थोड़ा बेटर तरीके से देखने के बाद हमको दिखेगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर माइनस में रूट ओवर बी स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर। अब ये माइनस क्यों लिखे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव वाले का इधर आएगा, देखो प्लस वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा है तो माइनस वाले का ऐसे आ जाएगा, इसलिए अब माइनस लिखे। या तो तुम ऐसे समझ लो या तो तुम ऐसे समझो कि बड़ा वाला में छोटा वाला घटा देना था इसलिए माइनस लिखा हुआ है, जो समझ में आता है समझो। इलेक्ट्रिक फील्ड ये बन गया। अगर हम इसमें एक्स को इंट्रोड्यूस कर दें अंदर में और हम ये कहते हैं है ना, हम ये कहते हैं कि बाहर वाले ने एंगल थीटा टू बनाया और अंदर वाले ने एंगल थीटा वन बनाया, मतलब इसने यहां पर थीटा टू एंगल बनाया और इसने यहां समझ में बात ऐसे देखो ये ना डिस्क है, इसने यहां पर ऐसे ये थीटा टू एंगल बनाया, इसने थीटा वन एंगल बनाया, तो ये देखो कॉस थीटा टू आ जाएगा ये कॉस थीटा वन आ जाएगा, तो क्या बना सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो कॉस थीटा टू माइनस में कॉस थीटा वन, ये आ गया हमारे पास पूरा रिजल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस कटआउट। ओके कॉपी करो, अबे आगे देखना पड़ेगा।
केस तीन हो गया था, केस नंबर फोर के ऊपर बात करते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास एक बहुत बड़ा सा इन्फिनिटली चार्ज है ना, इन्फिनिटली चार्ज डिस्क है, उसमें से हमने छोटा सा सर्कुलर होल काट लिया है, किसी ये डिस्टेंस का सिग्मा है, कह रहा है इसके कारण बाहर में दिखाओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। तो वैसे ही करेंगे ना, पूरा बड़ा वाला सीट में से इस वाले घटा देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मेरा काम बन जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, ई ऑफ इनफाइनाइटली चार्ज्ड सीट माइनस में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कटआउट, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इन्फिनिटली चार्ज सीट कितना था, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो, अभी सीखे हैं। और इस कटआउट का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा, वन माइनस से मान लेते हैं इसने कॉस थीटा बनाया, या फिर छोड़ो, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो वन माइनस में एक्स अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर, ये भी सीख सकते थे। यहां से क्या आ रहा है, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो कॉमन आ रहा है क्या, वन माइनस में वन प्लस में एक्स अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर, ये तो खत्म आ गया। तो सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो और ये क्या बचा, एक्स अपॉन दिस वन कॉस थीटा जो इंटरनल है ना। इसने क्या किया होगा, मान लेते यही सीट है, इसमें हमने ये वाला सेक्शन काट दिया, तो ये हमारा ए और ये है थीटा और ये हो गया एक्स, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर, तो कॉस थीटा है ना, तो ये हो गया इतना कॉस थीटा। कोई दिक्कत है, चलो केस एकदम अच्छे समझ में आ गया। अब इस पे कुछ एक दो सवाल कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो यही सवाल है अभी हमारे पास कि एक बहुत बड़ा सा इन्फिनेटली चार्ज डिस्क है, इन्फिनेटली चार्ज डिस्क है, ये ऐसा है इन्फिनेटली, ये बहुत बड़ा है ठीक है, एज कंपेयर टू दिस कटआउट, और ये भी डिस्टेंस है, अब ये आर डिस्टेंस बोल रहा है कि, और ये रेडियस इसका आर है, और इससे एक्स जो है वो हमारा आर रूट थ्री डिस्टेंस पर एक इलेक्ट्रॉन को हमने रिलीज किया, रेस्ट पर था इलेक्ट्रॉन, उसको हमने रिलीज किया। अब इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, अब वो इस प्लस वाले का रिट्रैक्ट होगा, तो वो ऐसे सपोज करो ये डिस्क है इस तरह से करके, है ना, यहां पर, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगा ऐसे करके, अब ये रेस्ट से था तो ये क्या होगा, ऐसे चलेगा बहुत स्पीड से पास करेगा बीच वाले को, अरे सुन, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी जब ये सेंटर से पास कर रहा होगा, है ना, होल से जब ये इस कटआउट से जब पास कर रहा होगा, यहां पर ये कटआउट समझ आ रहा है ना, ये बस ये सेक्शन दिखा रहा है, इस कटआउट से जब पास कर रहा होगा यहां पर इसकी वेलोसिटी क्या बनेगी ये निकालने के लिए बोला है। पहले तो फोर्स निकाल लेते हैं ठीक है, और फोर्स का वैल्यू हमको पता है, एम ए होता है, मास और एक्सेलरेशन पता चल गया तो वेलोसिटी नहीं पता चलेगा, मास पता ही है ना इलेक्ट्रॉन का, फोर्स पता चल गया, इनिशियली रेस्ट पर है तो वेलोसिटी पता चल जाएगा यहां पर, चलो देख लेते हैं। तो फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, उस वाले सेक्शन में फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, फोर्स बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस सीट एंड चार्ज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, यानी क्यू ई हो जाएगा ना फोर्स, जिसको हम कह देंगे मा, फोर्स बराबर एम ए होता ना, वो लिख देंगे, तो एम इंटू ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्यू कितना है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था अभी सीखे थे, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ओके ये हो गया हमारे पास कॉस थीटा, क्या हो गया कॉस थीटा का वैल्यू आर रूट थ्री है और ये आर है ना, तो ये कितना हो जाएगा जी, ये वाला लेंथ, अच्छा ठीक है, मतलब किसी जगह पे एक्स अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर, ये आ रहा है हमारे पास एम ए, किसी भी जगह पे कॉस थीटा का वैल्यू आ गया, तो ए एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, ई सिग्मा अपॉन टू एम एप्सिलॉन जीरो इंटू एक्स अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर, ये अजीब सा कॉम्प्लिकेटेड सा इक्वेशन आया है, तो हम यहां से एक्सप्रेशन पता चल रहा है हमको, बाद में हम पुट कर लेंगे उस थीटा को ठीक है, पहले तुमको अभी लगता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वगैरह यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कांस्टेंट नहीं है, सॉरी एक्सप्रेशन मेरा कांस्टेंट नहीं है, ये हमारा कांस्टेंट नहीं है, नहीं है तो हम वी स्क्वायर यू स्क्वायर टू ए एस वगैरह टाइप का नहीं लगा सकते, तो हमको यहां पर दिख रहा है एक्सप्रेशन डिपेंड कर रहा है एक्स पर, तो हम एक फॉर्मूला जानते थे बी डी वी अपॉन
dx होता है वो हम यूज कर सकते हैं। तो क्या e sigma upon 2m epsilon 0 x upon root over r square plus max का square हो जाएगा। यहां से जाएगा vdv equal to ये इधर आ जाएगा क्या, तो e sigma upon 2m epsilon 0 x dx upon root over r square plus max का square हो जाएगा। अब इसी को इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड। वेलोसिटी का वैल्यू मान लेते हैं शुरुआत में 0 था, बाद में vm को निकालना है सेंटर पर, और x का वैल्यू हमको पता है शुरुआत में कितना है। देखो तो शुरुआत में x का वैल्यू r रूट 3 है, बाद में 0 हो जाएगा, फोर्स लग रहा है इधर की तरफ इसलिए हम वो माइनस में दिखा दे रहे हैं क्योंकि x का नेगेटिव डायरेक्शन है। यहां से v स्क्वायर बाय 2 और यहां हो रहा है e सिग्मा अपॉन 2m एप्सिलॉन नॉट और माइनस है यहां पर, चलो माइनस ही रहने देते हैं। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे देख लो, इसको फिर से वही मानना पड़ेगा ना, कुछ कुछ देखो क्या क्या करना पड़ेगा, लिख लेते हैं पहले x dx, अच्छा नहीं लिखते हैं, मान ही लेते हैं इसको, तो फटाक से ही पर लिख लेते हैं, लेट r स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर को मान लेते हैं t स्क्वायर, अरे बस वही ये t स्क्वायर हो गया, तो r तो कांस्टेंट था यानी कि 0 हो गया, 2x into dx equal to क्या हो जाएगा 2t into dt, तो t यानी कि x dx की जगह पे क्या हो जाएगा t dt, अभी अभी किया ये सब काम पुट कर सकते हैं यहाँ पर x dx से, पर t dt आ जाएगा, तो t dt अपॉन इसके जगह पे लिख देंगे t square तो बचेगा t, अरे नहीं इसके जगह पे अगर t square पुट कर देंगे तो बचेगा सिर्फ t, t से t खत्म हो गया, integral of dt आ गया, dt का integration हो जाएगा t, तो हो गया माइनस में e sigma अपॉन 2m epsilon 0, अच्छा 2 से 2 भी तो खत्म हो गया जी, तो d square, अरे बस और यहां से आ गया सिर्फ t, t के जगह पे क्या लिख देंगे v square equal to माइनस में e sigma अपॉन m epsilon 0, t के जगह पे क्या लिख देंगे root over r square plus में x का square, root over r square plus में x का square root 3 r से लेकर के 0 तक, क्योंकि शुरुआत में x का वैल्यू root 3 r है और x का वैल्यू घटते घटते 0 आ जाएगा सेंटर पर। अब हम पहले 0 पुट करेंगे x के जगह पे तो बचेगा r, अरे समझ में, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास v square is equal to माइनस में e sigma upon m epsilon not, यहां पर आ जाएगा हम 0 पुट करेंगे x के जगह पे सिर्फ बचेगा r, और माइनस में अगर 3r पुट करेंगे तो यहां पर 3r square और 1r यानी 4r square यानी 2r आ जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास सिर्फ r, तो v का वैल्यू क्या हो जाएगा e sigma r upon m epsilon not का root, that's your answer, यानी velocity at the middle part of the hole cutout is given by this value, is that okay? कुछ नहीं किए हैं, बस हमको फोर्स निकालना था, फोर्स निकालने हैं, और फोर्स को क्या कर सकते हैं m लिख सकते हैं, और उससे हम लोगों ने v dv upon dx, इसी सवाल को हम लोग एनर्जी कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं, जब पोटेंशियल एनर्जी सीख जाएंगे हम उस समय भी कर लेंगे सवाल, और उसमें बहुत सारे सवाल करेंगे वेलोसिटी निकालने के लिए, लेकिन अभी हम कुछ डायनामिक्स से हम सॉल्व कर लिए, बस डायनामिक्स में एक कचरा आ गया कि थोड़ा इंटीग्रेशन वगैरह आता है, एनर्जी कॉन्सेप्ट में नहीं आता है वो सब चीज, वो भी एक इशू है, तो एक तरीका था जिससे हम लोगों ने निकाल लिया। चलो कॉपी करो, अभी जो अगला सवाल हम ले रहे हैं इसमें मेरे पास एक चार्ज्ड सीट है, बहुत बड़ा चार्ज सीट है, बहुत बड़ा, ठीक है, अब उसको हम ऐसे जमीन पर रख दिए हैं, ऐसे चार्ज सीट है ऐसे जमीन पर हम रख दिए हैं, इसका चार्ज कितना है, इसका चार्ज डेंसिटी कितना है, सिग्मा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, ये बहुत बड़ा चार्ज सीट है, तो हम समझ सकते हैं किसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, बाहर की तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, है ना, कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो यही हुआ क्योंकि बहुत बड़ा चार्ज सीट है। अब यहां पर से हम क्या किए, एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहे हैं, अरे बस हमें दिख रहा है क्या, अच्छा ठीक दिख रहा है, किसी u स्पीड से एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहे हैं, इसका मास है m, अब रिलीज करेंगे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, सॉरी ऊपर की तरफ है, तो उस पर फोर्स लगा ऐसे क्योंकि निगेटिव चार्ज है, उसको हम ऐसे खींचेंगे, वेलोसिटी है देखो दो कंपोनेंट है इसका, एक ऐसे और एक ऐसे, ये वाला कंपोनेंट चाहे उसको ऊपर लेके जाए,
और ये वाला कंपोनेंट इसको आगे लेके जाएगा, तो किसी हम ए पॉइंट से अगर हम रिलीज किए हैं इसको, ये कुछ प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए किसी बी पॉइंट पहुंचेगा और हमको यही लेंथ निकालना है, रेंज कितना हो जाएगा। तो बात पहले बताओ सर फोर्स कितना लगेगा इसे, तो फोर्स क्या लगेगा ई, एक्सलेशन कितना हो जाएगा जी इफेक्टिव, जो डाउनवर्ड होगा जो जिसको हम कहते हैं, याद है पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके जी इफेक्टिव यहां बनेगा ई बाय एम, तो जी इफेक्टिव कितना बन जाएगा यहां पर ई सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो और एम एन हो जाएगा। तब इसका रेंज के बारे में हम लोग पढ़े थे फॉर्मूला, रेंज का फॉर्मूला क्या था, टू यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी इफेक्टिव, ये ना सीखे थे, तो यहां से जाएगा टू यू स्क्वायर और थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 45 डिग्री यानी 45 डिग्री, तो यहां से जाएगा वन अपॉन रूट टू, वन अपॉन रूट टू और ये हो जाएगा ई सिग्मा अपॉन टू एम एप्सिलॉन नॉट, ये खत्म हो गया, तो ये हो गया यू स्क्वायर अपॉन ई सिग्मा और टू एम एप्सिलॉन नॉट। That's your range. Height भी निकाल सकते क्या? U square है ना? Sine square theta upon 2g effective बन जाएगा। तो U square sine square theta यानी कि sine 45 degree और 1 upon 2 upon 2g effective पे क्या लिख सकते हैं? E sigma upon 2m epsilon naught। आ रही बात समझ में? तो 2 से 2 खत्म हो गया। क्या बचेगा? तो U square m epsilon naught upon 2e सिग्मा है ना, ये आ गया इसका हाइट का वैल्यू, इतना हाइट हो गया। टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल सकते हैं, 2u sin थीटा बाय g इफेक्टिव होता है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है 2u sin थीटा अपॉन g इफेक्टिव होता है, तो 2u sin थीटा यानी 1 अपॉन रूट टू और g इफेक्टिव के जगह क्या लिखेंगे e सिग्मा अपॉन 2m एप्सिलॉन नॉट, ये रूट टू टाइम्स में खत्म हो जाएगा, तो टू रूट टू यू एम एप्सिलॉन नॉट अपॉन ई सिग्मा, ये इसका हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। इजी था, बस एक चार्ज सीट था उसे इलेक्ट्रिक फील्ड हम समझ सकते हैं ऐसे करके जनरेट हो जाएगा बाहर की तरफ, अब उसमें निगेटिव चार्ज को तो ऐसे करके खींचेगा और यहीं पर अगर निगेटिव सिग्मा रखते और यहां से पॉजिटिव चार्ज आता तो भी यही फॉर्मूला बनता हमारे पास, क्योंकि उसमें फिर से अट्रैक्शन होता निगेटिव के कारण। तो इस तरह की चीजें हमको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी, है ना। अब इस तरह के सवाल घर में बैठो और बनाओ, हम कुछ अच्छे अच्छे सवालों को ले रहे हैं यहाँ पर, नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चंस को लोग तो बना ही लोगे, ठीक है, कॉपी कर लेते हैं। जो अगला सवाल है उसको थोड़ा ध्यान समझना है यहाँ पर। अगर मान लेते हैं मेरे पास एक बहुत ही लंबा चार्ज्ड सीट है, ये पूरे पे चार्ज है प्लस सिग्मा चार्ज है, अब इसके कारण यहां पर हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ कितना बनेगा सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनता है प्लस वाले कारण इधर, ये अब तो पता चल चुका है, सबको याद हो भी चुका है। तभी क्या किया गया, यहां पर किसी डिस्टेंस पर यहां पर एक रॉड को रख दिया गया, ऐसे एक रॉड को रख दिया गया जिसका लेंथ है एल। अब इस रॉड को जो रखा गया इस तरह से रखा गया कि इस वाले सेक्शन में आधा सेंटर में आधा में माइनस में लेमडा चार्ज है, इधर की तरफ प्लस लेमडा चार्ज डेंसिटी है, ठीक है, एक रॉड है चार्ज्ड रॉड है और उस रॉड पे हम जानते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी बनता है, तो इसलिए वो माइनस में लेमडा चार्ज दिया, यहां पर प्लस में लेमडा चार्ज दिया हुआ और एल लेंथ का ये रॉड है। ये सवाल हो सकता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, समझोगे तो कुछ चीजें समझने में भी आएंगी, कैसे मैथमेटिक्स लग रहा है और ज्यादा फिजिक्स भी है और ज्यादा मैथ भी है इसमें, थोड़ा ध्यान समझो, ज्यादा मैथ नहीं है, एसएचएम वगैरह हो रहा है यहाँ पर, फील करो कि हो क्या रहा है यहाँ पर। अगर ये रॉड है कुछ इस तरह से, तो रॉड को हमने रखा हुआ है तो इस पे ये निगेटिव चार्ज है, इधर प्लस वाला चार्ज है और ये प्लस वाला इस वाले निगेटिव वाले को खींचेगा और प्लस वाले को उधर रिपेल कर देगा, ठीक है यहां तक। तभी क्या होता है, ये वाला जो पॉइंट है, पहला बात ये समझ लो ये वाला पॉइंट जो फिक्स्ड है, तभी क्या होता है किसी ने क्या किया कि थोड़ा छोटा सा एंगल से इसको डिस्प्लेस कर दिया ऐसे। अरे बस सुनो, तो मान लेते हैं कि अगर हम यही लाइन था, इस रॉड को हमने थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया ऐसे, इमेजिन हो रहा होगा ऐसे छोटा सा एंगल से थीटा से हमने इसको डिस्प्लेस कर दिया,
तो क्या होगा? अब ये पूरे सेक्शन पे निगेटिव चार्ज है, पता है ना, इस पूरे सेक्शन पे निगेटिव चार्ज है और इस पूरे सेक्शन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो हम एक काम करते हैं, इससे किसी एक्स डिस्टेंस पर, इससे किसी सेंटर से किसी एक्स डिस्टेंस पर छोटा सा एक एलिमेंट काट लेते हैं और उस पर देखते क्या हो रहा है, तब फिर उसके हिसाब से एनालाइज किया जाएगा। अब ये निगेटिव चार्ज है, इसका चार्ज तो कुछ डी क्यू होगा निगेटिव में, और ये प्लस वाला इस वाले को अपनी तरफ ऐसे खींच रहा होगा अपनी तरफ छोटा सा फोर्स डीएफ से, तो डीएफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, तो छोटा सा चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डी क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो, जो कि बनेगा डीएफ। इस निगेटिव वाले को इधर खींचेगा उतना ही एक्स, अगर हम इधर की तरफ देखें तो ये वाला जो छोटा सा एलिमेंट बनेगा ये तो प्लस चार्ज है, तो प्लस वाले को रिपेल करेगा, इधर की तरफ रिपेल करेगा सीधे में, ये भी डीएफ फोर्स लगा देगा। अब इमेजिन करके देखो क्या हो रहा है, ये दो फोर्स लग रहे हैं एक साथ और ये इसको ऐसे है ना, ये बोलेगा तुम उधर घूमो, ये बोलेगा तुम मेरे पास आ जाओ, इसको फिर से रिस्टोर कर देगा, यानी कि ये रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा, देखो घुमाया जा रहा है यहाँ पर, ये चल नहीं रहा, रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा, यहाँ पर रिस्टोरिंग टॉर्क लिखना पड़ेगा हमको। तो जो छोटा सा इस छोटे से एलिमेंट के कारण जो टॉर्क लग रहा है, वो उसको कहते हैं डी टाउ। डी टाउ क्या बनेगा, तो जो छोटा सा फोर्स लग रहा है इस वाले फोर्स पर और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है, हम वो लिखते क्या, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये बनता है टॉर्क, टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो एक्स कॉस थीटा और ये एक्स का साइन थीटा बनेगा, एक्स साइन थीटा, तो डीएफ इंटू एक्स इंटू साइन थीटा, ये हो गया डी टाउ। तो डी टाउ डीएफ का जब ये लिख देंगे क्या क्या बनेगा, डी क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो। अच्छा डी क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, डी क्यू क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ से जो है ना, डी क्यू क्या बनेगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, लेमडा इंटू डी एक्स, तो लेमडा इंटू डी एक्स, ये हो गया डी एफ के जगह पे, डी एफ के जगह पे सॉरी डी क्यू की जगह पे कितना आ गया, इंटू सिग्मा इंटू एक्स इंटू साइन थीटा, ये हो गया हमारा नेट डी टाउ बना, छोटा सा इस चार्ज के ऊपर कितना टॉर्क बना वो इतना बन गया। फिर से देख लो, नहीं समझ में आया फिर से देखो, डी एफ के जगह पे क्या लिखोगे बाबा, डी क्यू इंटू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो इंटू एक्स साइन थीटा लिखोगे ना, तो डी क्यू की जगह पे क्या लिखोगे, लैम्डा इंटू डी एक्स इंटू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो लिखोगे ना, और फिर एक्स साइन थीटा आ जाएगा। अरे वो समझो, ये चीज हम लिख दिए, यहां से आ गया हमारे पास डी टाउ। अगर हमको नेट टॉर्क निकालना है तो क्या करेंगे, नेट टॉर्क निकालना है क्या करेंगे, इस वाले सेक्शन पे कितना टॉर्क लगा है, तो वो कितना आ जाएगा हमारे पास, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो लैम्डा तो कांस्टेंट है, सिग्मा गिवन है, बाय टू एप्सिलॉन जीरो कांस्टेंट है, लैम्डा सिग्मा टू एप्सिलॉन जीरो सब कांस्टेंट है, बाहर आ गया, अंदर में क्या बच गया, एक्स डी एक्स इंटू साइन थीटा मेरा कॉन्स्टेंट है, बहुत छोटा छोटा सा एंगल है, हम उसको रहने देते हैं साइन थीटा को बगल में ही, सबको मतलब है नहीं। अब एक्स का हमको इंटीग्रेशन करना है क्योंकि हम इस वाले सेक्शन पे बात कर रहे हैं, है ना, एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक होगा, जीरो से लेकर के एल बाय टू लेंथ तक होगा, कहां से कहां तक होगा, जीरो से लेकर के एल बाय टू लेंथ तक ये चलेगा। अगर हम अब निकलना चाहते हैं यहां से टॉर्क का वैल्यू, क्या बनेगा, लैम्डा सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो, यहां से आ जाएगा एक्स का स्क्वायर बाय टू, जीरो से लेकर के एल बाय टू तक, है ना, ऐसी यहां तक कोई दिक्कत है, तो ये टॉर्क सिर्फ इस वाले सेक्शन पे आया, इधर भी तो आ रहा है टॉर्क, तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डबल से, तो दो से दो खत्म हो गया, तो क्या बनेगा, लैम्डा इंटू सिग्मा अपॉन एल का स्क्वायर बाय एट, एल का स्क्वायर बाय एट, फोर और टू जा एट आ जाएगा, अब सेवन नॉट, ये हो गया टॉर्क इंटू साइन थीटा भी है अभी कॉन्स्टेंट, जो किसी भी जगह पे बात करें किसी एंगल पे थीटा बात कर रहे, तो टॉर्क बराबर क्या होता है, आई इंटू अल्फा होता है क्या, लैम्डा सिग्मा एल स्क्वायर अपॉन एट एप्सिलॉन नॉट इंटू साइन थीटा, क्योंकि बहुत छोटा था इसलिए हम उसको थीटा लिख देते हैं, अल्फा के जगह पे हो जाएगा लैम्डा सिग्मा एल स्क्वायर अपॉन एट एप्सिलॉन नॉट इन बाय आई, मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ रॉड अबाउट दिस सेंटर ऑफ मास इज गिवन बाय
क्या होता है एम एल स्क्वायर बाय 12, याद है ये होता है एम एल स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर लिखे जी, क्यूब नहीं लिखे, एम एल स्क्वायर बाय 12, तो वो लिख सकते हैं यहाँ पर से, तो क्या लिखेंगे एम एल स्क्वायर बाय 12 हो जाएगा ऊपर में, यहाँ पर से हो गया ऊपर में हो गया, ऊपर से एल स्क्वायर इंटू थीटा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर खत्म हो गया, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, यानी कि अल्फा का वैल्यू क्या बन गया 3 λ σ, कट गया 3 λ σ/2ε0 × m × θ। अब देखो ये हमारा हो गया रोटेशनल SHM का कंडीशन, आ रही हो समझ में, तो रोटेशनल SHM के कंडीशन में क्या सीखे थे, रोटेशनल SHM के कंडीशन में क्या सीखे थे, रोटेशनल कंडीशन में क्या सीखे थे, अल्फा जो होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, यानी कि ओमेगा स्क्वायर दिख रहा है क्या, इसका मतलब हो गया ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या दिख रहा है 3λ²σ/2m ε0, तो टाइम पीरियड का वैल्यू जाएगा 2π √2m ε0/3λ²σ, क्योंकि हमको पता है टाइम पीरियड का वैल्यू होता है 2π/ω, टाइम पीरियड आ गया, दैट्स इट, यही सवाल था यहाँ पर किसका टाइम पीरियड बताओ, ऐसे ऐसे जो करेगा है ना ये करना स्टार्ट करेगा वो कितना आएगा, ये निकल गया, थोड़ा अलग था क्योंकि अभी तक हम लोगों ने सीधे SHM के बाद अब यहाँ पर सीखा है फिर से रोटेशनल SHM को इंट्रोड्यूस किया, ऐसे सवाल हम लोग खूब लगाते थे वहाँ पर, लेकिन अभी यहाँ पर नया फोर्स आ चुका है, फोर्स का वैल्यू है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि छोटे छोटे एक और तो चीज है, अभी यहाँ पर रोटेशनल टॉर्क में भी दिक्कत ये नहीं था कि यहाँ पर सीधा बात हो रहा था, यहाँ पर हमको छोटा छोटा चार्ज के ऊपर टॉर्क निकालना पड़ा, नेट टॉर्क को ही हम कर सकते थे यहाँ पर आई अल्फा, ये भी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया यहाँ पर, क्योंकि हमको हर एक एलिमेंट पर अलग अलग, यहाँ पर अगर हम इस सेक्शन पे देखेंगे इस पे भी छोटा सा टॉर्क लगेगा, हर एक सेक्शन पे टॉर्क लगेगा, तो हर एक सेक्शन में यार हमको नेट टॉर्क निकालना पड़ गया, जो कि हमको यहाँ से पूरा टाइम पीरियड बन रहा है। सॉल्व करो, समझ में नहीं आए तो फिर से देखो पूरा का पूरा बैक करके, मजा आ जाएगा, ठीक है, जल्दी से। सॉरी यहाँ लेमडा स्क्वायर नहीं है, ये लेमडा स्क्वायर कहाँ से आ गया, 3λ है, ठीक है 3λ × σ ही है, ठीक है, हाँ यहाँ लेमडा स्क्वायर नहीं था, ठीक है। तो अब एक टॉपिक सीखते हैं, यहाँ पर छोटा सा चीज है, इसके ऊपर और भी ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन होगा, लेकिन अभी बस अभी इनिशियल प्रिमिटिव स्टेज के लिए हम सीख लेते हैं यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ड्यू टू थिक मेटल सीट के ऊपर बात कर लेते हैं, थिक मेटल सीट है, तो थिक मेटल सीट का मतलब क्या हो गया, एकदम मोटा सा ऐसे, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं मोटा मोटा सीट है, तो इसके ऊपर चार्ज है, अगर ये मेटल सीट है तो इसके ऊपर अगर चार्ज है तो मान लेते हैं इसके ऊपर प्लस में सिग्मा चार्ज है और इस पर भी प्लस में सिग्मा ही चार्ज है, तो हम जानना चाहते हैं यहां पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहां पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और यहां पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, हम इस पॉइंट का नाम देते हैं ए, इसका नाम देते हैं बी, इसका नाम देते हैं सी। इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर भी इसलिए ही डिफाइन होगा क्योंकि उस जगह पर नेट चार्ज के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वही उसी तरह से हम लिखते हैं, ठीक है। अब वो भी एक चीज देख लेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में जीरो होता है कि नहीं होता, क्योंकि अगर ये थिक मेटल सरफेस है तो इसके कारण अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आना चाहिए, ठीक है, आगे सीखेंगे हम लोग कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, उसके भी छोटे से कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, अभी फॉर्मूला से ही निकाल लेते हैं। तो पहली बात तो ये समझ लो कि अगर ये प्लस चार्ज है तो इसके कारण यहाँ पर प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ बनेगा तो ना इधर की तरफ ऐसे आएगा, और इस प्लस कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही आ जाने वाला है, दोनों जुट जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इज गिवन बाय σ/2ε0 ड्यू टू दिस थिक सीट, इस जो थीन सीट है इसके ऊपर जो चार्ज है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आएगा, और इस पर जो चार्ज है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ आने वाला है ना, इस पर इधर की तरफ और इसके कारण इधर की तरफ ही आने वाला है, दोनों को तो ऐड ही कर लेंगे, तो हमारे पास जो बनेगा σ/ε0 इधर की तरफ आ गया।
अगर सी पॉइंट पर बात करेंगे तो सिमिलरली इस प्लस का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आएगा और इस प्लस के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट प्लस में सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इन दिस डायरेक्शन, है ना, राइट वर्ड डायरेक्शन। और अगर हम बी पॉइंट पर एनालाइज करेंगे तो इस प्लस का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आएगा और इस प्लस का इधर की तरफ आएगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी इज गोइंग टू जीरो। आ रही बात समझ में? तो यही पूरा कहानी था कि एक थिक सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में जीरो होता है और बाहर में हमको दिख रहा है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ रहा था। समझ में आ रहा है बात? सिमिलरली अगर हम ये पहला कंडीशन था, अगर आप इसी में कुछ कंडीशंस के ऊपर बात कर लेते हैं, मान लेते हैं मेरे पास दो थिन प्लेट है और यहां पर अगर हम मान लेंगे प्लस में सिग्मा दिया, यहां पर माइनस में सिग्मा दिया है, तब कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह पर और इस जगह पर। इस पर ये प्लस सिग्मा है तो हम समझ सकते हैं यहां पर माइनस चार्ज है, तो प्लस करने इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आएगा और इस माइनस करने इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आएगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट और ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट जीरो हो जाएगा क्या? इसके कारण इधर की तरफ आएगा सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो और इधर की तरफ आएगा सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो, यहां पर जीरो आ जाएगा। सी पर भी हमको मिलेगा उसी तरह से माइनस के कारण अंदर की तरफ और प्लस वाले कारण बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी इक्वल टू जीरो आ जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट डी क्या बनेगा? प्लस वाले कारण इधर की तरफ और माइनस वाले कारण भी उधर की तरफ ही जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी के बारे में हम बात करते हैं तो सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो प्लस में सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट अंदर में जो है, देखो यहां पर इस बार अगर प्लस और माइनस है तब अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आ रहा है, वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। इसी तरह तीसरा कंडीशन भी सीख सकते हैं, अगर मेरे पास एक यहां पर अगर मान लें कि सिग्मा ए चार्ज है, यहां पर सिग्मा बी है, अब ये प्लस है और यहां पर भी प्लस ही मान लेते हैं, ठीक है, तब फिर बताओ ए पॉइंट पर कितना होगा, बी पॉइंट पर कितना होगा और सी पॉइंट पर कितना होगा। तो प्लस कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आएगा और इस प्लस कारण भी इधर ही आने वाला है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए, इसको हम यहां से ऐसे कर दे रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट पर क्या आ जाएगा, सिग्मा ए अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट प्लस में सिग्मा बी अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा ए अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट आने वाला है और इसका सिग्मा बी अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट आने वाला है। तो ई एट बी क्या आएगा, बी पर इसके कारण इधर की तरफ आएगा और इसके कारण इधर की तरफ आने वाला है, तो दोनों को जोड़ देते हैं तो इधर वाले को प्लस लिखते हैं, इधर वाले को माइनस लिखेंगे, तो सिग्मा ए अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट माइनस में सिग्मा बी अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी पॉइंट क्या जाएगा, सी पॉइंट पर देखो इस प्लस वाले कारण इधर की तरफ और इसके कारण इधर की तरफ आने वाला है, तो इस बार सिग्मा बी वाला प्लस बन जाएगा, ए वाला भी उधर ही जाएगा, दोनों जुटेगा, तो सिग्मा ए अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट प्लस में सिग्मा बी अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। समझ में आ गया? अगर यहां पर माइनस होता तो उसके अकॉर्डिंग भी सीख सकते थे। समझ में आ गया? एक वो भी कंडीशन बना लेना फोर्थ नंबर में भी, ठीक है, छाप लो, मजे आ गए। तो मजा आ गया चार्ज्ड डिस्क के ऊपर बात करके। अभी से हम लोग अगला टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, चार्ज इंडक्शन इन मेटल बॉडीज के ऊपर बात करते हैं। ऑलरेडी कर चुके हैं हल्का फुल्का, आज थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे उसको। तो पहले हम सीखते हैं यहाँ पर से अच्छा ठीक है, पहले यही देख लेते हैं चार्ज इंडक्शन इन मेटल बॉडीज, इसके ऊपर बात करेंगे। देखते हैं, सपोज करते हैं मेरे पास एक मेटल बॉडी है, यही कोई मेटल बॉडी है, ठीक है, और हमने क्या किया कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे सेटअप किया है बाहर से, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड सेट कर दिया। अब बाहर से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड सेट किया और ये मेटल है, मेटालिक कंडक्टर है ये, और मेटल के अंदर में हमको पता है कि चार्ज जो होते हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह मूव कर सकते हैं, इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करते रहता है, वो सब हमको पता है।
अब बता इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम बाहर से इसको सप्लाई करेंगे, है ना, ये बाहर से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ई सप्लाई किया है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो अंदर में कोई इलेक्ट्रॉन होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स किधर लगेगा बता? इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स इधर की तरफ लगेगा, जिसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ई ई हो जाएगा। अरे बस, तो यानी कि इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स अगर इधर लगेगा तो इलेक्ट्रॉन हमारा इधर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा। प्रोटॉन मूव नहीं कर सकता, ये बात भी याद रख लो बाबा। एटम के न्यूक्लियस के अंदर में, बहुत अंदर में, बीच में न्यूट्रॉन के साथ में बाइंडेड होता है प्रोटॉन, वो खींचा नहीं सकता है। इलेक्ट्रॉन खींचाता है, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो फ्री मूव कर सकते हैं, वही आराम से निकल सकता था, वो आ गया सीधा, बोला ठीक है तुम बुला रहे थे हम आ गए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने खींचा अपनी तरफ। अब अगर खींचेगा तो कितना खींच सकता है, जितनी इसकी ताकत है उसने उतना सारा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया। इलेक्ट्रॉन ने बोला चल दिए, हम तो वेल्ले बैठे हैं घर में, ठीक है चलो, चल दिया। सारा इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ खींचा जाएगा, जितना, तो सारा नहीं, उतना ही इलेक्ट्रॉन खींचाएगा जितना यह खींच सकता है। बात समझ में आया कि नहीं? जितना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है उतना सारा इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ खिंचाएगा। अब अगर इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ खिंचाएगा तो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इधर की तरफ बढ़ेगा। अब इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इधर की तरफ बढ़ेगा तो जो इधर की तरफ क्या होगा, जिधर से चला इलेक्ट्रॉन उधर की तरफ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, यानी कि उधर की तरफ पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेशन बढ़ेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि जो भी, क्योंकि नेट चार्ज किसी मेटल कंडक्टर में जीरो होता है, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्ज सारा सारा इधर की तरफ शिफ्ट होने लगेगा। अरे बस सुन ऐसे, और निगेटिव चार्ज इधर की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट होगा। बात समझ में आया यहां तक? फिर समझ लो, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसने इलेक्ट्रॉन को बोला तुम मेरे पास आ जाओ, चलो मेरे पास इधर की तरफ चलो, चला ये इलेक्ट्रॉन इधर चला, इलेक्ट्रॉन आते गया आते गया आते गया, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आते जाएगा, इस सरफेस पर आते जाएगा, तो इधर की तरफ देखो, इधर की तरफ कुछ पॉजिटिव चार्ज अपीयर होने लगेगा। अब ये प्लस वाला इस इलेक्ट्रॉन को बोलेगा तुम मत जाओ, ये प्लस वाला इस माइनस वाले के ऊपर फोर्स अब इधर लगाएगा, ये प्लस वाला इस माइनस वाले के ऊपर इधर फोर्स लगा देगा, यानी कि उसी इलेक्ट्रॉन को जिसको भी हम दिखा रहे हैं जो कि इधर जा रहा था, उसी पर इधर की तरफ एक नया फोर्स लगेगा, उसको हम कह देंगे इंड्यूस्ड फोर्स, जो कि फोर्स हो जाएगा ई इंड्यूस्ड के बराबर। बराबर तो नहीं होगा शुरुआत में, क्योंकि फोर्स बहुत बड़ा होगा इनिशियल कंडीशन में। इनिशियली एफ एक्सटर्नल अगर हम लिख दें, इनिशियली एफ एक्सटर्नल इज मच मच ग्रेटर देन एफ इंडक्शन। इंडक्शन क्यों हो रहा है, समझ रहे हैं? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, यहाँ पर देखो इंड्यूस्ड चार्ज आ रहे हैं, यहाँ पर भी आ रहे हैं, तो सर जो फोर्स इंडक्शन का है वो बहुत छोटा है, एक इलेक्ट्रॉन मात्र पहुंचा है किसी तरह से, तो छोटा सा प्लस बना होगा, छोटा सा निगेटिव बना होगा, इंडक्शन हुआ होगा थोड़ा सा, छोटा सा फोर्स लगा होगा, लेकिन वो फोर्स इतना सफिशियंट नहीं होगा कि उस इलेक्ट्रॉन को फिर से यहाँ पर लेकर चले आए, लेकिन ये बहुत ज्यादा है, इसने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन खींचना स्टार्ट किया तब तक, और इससे क्या होगा कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे आगे आते जाएगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा, उतना ज्यादा पॉजिटिव आने लगेगा, है ना। एज टाइम गोज अप ई इंड्यूस्ड इंक्रीजेस, समय बढ़ता जाएगा ई इंड्यूस्ड बढ़ता जाएगा, बढ़ते 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 एक समय ऐसा आएगा कि ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स है वो इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर अ सर्टेन मोमेंट फोर्स जो एक्सटर्नल लग रहा है वो फोर्स इंड्यूस्ड के बराबर हो जाएगा, तो फोर्स एक्सटर्नल कितना लग रहा है ई, वो ई इंड्यूस्ड के बराबर हो जाएगा,
तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ई इंड्यूस्ड के बराबर हो जाएगा। अरे बस समझे, ये इस तरह कंडीशन जब बनेगा तो उस समय क्या होगा सोच के देखो। उस समय ऐसा होगा कि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को बोला तुम मेरे पास आ जाओ, ये बोला तुम मेरे पास आ जाओ, ये इलेक्ट्रॉन ये फंस जाएगा यहां पर, पॉजिटिव चार्ज फंस जाएगा, रुक जाएगा यहां पर। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। और इस तरह से करके मेटालिक जो कंडक्टर है उस पर हमको इंडक्शन दिखने के लिए मिलेगा इस पूरे कहानी में, समझ में आया। उस पूरे कहानी में अब हम एक और चीज देख सकते हैं कि ये जो है E माइनस में ई आई का वैल्यू कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। ठीक है, और ये तब तक चल रहा था जब तक ये दोनों बराबर ना हो जाए, ये बात ही समझ में आ गया। अब एक और चीज देखो, ये पूरा कहानी में, और अगर हम इसका पिक्चर थोड़ा अलग तरीके से दिखाएं तो थोड़ा वो समझना, यही था मेटालिक कंडक्टर। ठीक है, अब इसने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लेकर क्या बाहर से, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे आया तो यहां पर क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज एक्टिव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो निगेटिव चार्ज में ये इलेक्ट्रिक फील्ड घुस गया परपेंडिकुलरली, हमको ये भी पता है परपेंडिकुलर हीट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड आया परपेंडिकुलर हीट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड आया परपेंडिकुलर हीट किया, यहीं पर खत्म हो गया क्योंकि निगेटिव चार्ज है, अब खत्म हो गया। यहां जो प्लस था उसने भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना स्टार्ट किया ऐसे, जो बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था उसकी उतनी वैल्यू थी नहीं जो कि ये इसके तरफ अट्रैक्ट हो सके, वो दूर से ही निकल गया। जो इधर से आ रहा था वो खत्म हो गया, उसका स्ट्रेंथ उतना नहीं था जो कि इस पे उसके इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पाया। अब इस पूरे कहानी में बताओ कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड है, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, ई इन साइड जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड तभी ना होगा जबकि अंदर में कोई स्पेशल चार्ज होगा, अंदर में तो नेट चार्ज अभी भी जीरो है क्योंकि ना तो कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ खिंचा है, ना ही एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज बना है। यानी अंदर में चार्ज है ऐसा हम नहीं करें कि नहीं है, चार्ज है, इलेक्ट्रॉन भी है, कुछ ही इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आया, कुछ ही पॉजिटिव चार्ज उधर की तरफ गया है, लेकिन अंदर में नेट चार्ज नहीं है। और अंदर में नेट चार्ज नहीं है तो फील्ड जेनरेट कौन करेगा, अंदर में फील्ड नहीं होगा, कोई दिक्कत है, अंदर में फील्ड नहीं बनेगा, समझ में आया बात। यही था चार्ज इंडक्शन इन मेटल बॉडीज, मेटल बॉडीज में किस तरह चार्ज इंड्यूस होता है वो समझ में आ गया। अभी इसी कंडीशन चलो पहले कॉपी करो इसको, अभी और भी डिस्कस करते हैं इस पे। तो अगर मान लेते कि मेरे पास एक मेटल बॉडी है, ठीक है, इस मेटल बॉडी के ऊपर अगर हम मान लेते हैं कि कुछ चार्ज ला करके रख दिए बाहर से, अभी तो बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लेकर के आए थे, अब वो सिर्फ सीधे चार्ज उठा के रख दिए इसके ऊपर, तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, हमको पता है सिग्मा जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r होता है, उसके हिसाब से ये चार्ज पूरी तरह से पूरे सरफेस पर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कि अंदर में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, मेटल बॉडी के अंदर में कोई चार्ज बनता नहीं है। पहला बात तो ये समझ में आ गया, दूसरा बात भी समझते हैं दूसरे तरीके से भी, अगर पूरा का पूरा डेप्थ में सोच को देखो अंदर में क्या हो रहा होगा। तो अंदर में अगर मान लो गलती से कोई चार्ज, हम बोलते भाई दो प्लस चार्ज आ गया या एक भी प्लस चार्ज आया, तो पहले कंडीशन में सीखे थे सोशल डिस्टेंसिंग, भाई तुम मेरे से दूर रहो, कितना दूर पहुंच सकते हो तो सरफेस तक आ जाओ, एक ऐसे सोच सकते हैं। यानी कि पूरा कहानी में यही है कि जितना भी चार्ज बाहर से आते जाओगे, लाते जाओगे लाते जाओगे, सब सरफेस पर ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, अंदर में एक भी चार्ज पॉसिबल है ही नहीं, अंदर में मेटल बॉडी के अंदर में कोई चार्ज नहीं होता है, समझ में आ गया। मान लेते हैं कि अगर हम बोले कि यही मेरे पास मेटल बॉडी है, हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे थे, इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को ये बढ़ाना स्टार्ट कर देता, इसको बढ़ाएंगे तो और इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा ये तब ये बढ़ा के जाओगे अंदर से ई इंड्यूस्ड भी बढ़ता जाएगा। आज बस ये बढ़ेगा क्योंकि हमको हर समय मिलेगा ई आई बराबर जीरो, अगर ये बढ़ाओगे तो यही बढ़ेगा,
बढ़ते 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 एक समय इतना, तुम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को इतना बढ़ा दो, इतना बढ़ा दो, इसके सारे ही इलेक्ट्रॉन आ गए सरफेस पर, उस कंडीशन के बाद सोच के देखो क्या होगा। मान लेते हैं एक समय ऐसा आ गया कि सारे ही इलेक्ट्रॉन, मतलब इस मेटल बॉडी के अंदर में जितना भी इलेक्ट्रॉन था, एवोगाड्रो नंबर वाला इलेक्ट्रॉन समझ लो, जितना था सब आ गया इसके सरफेस पर, सारा प्लस चार्ज यहां बन गया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अब और बढ़ाती है। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को खींचना स्टार्ट करेगा सरफेस से, उड़ना स्टार्ट होगा इलेक्ट्रिक, ये जो इलेक्ट्रॉन है, और वहीं पर चिंगारी छोड़ना स्टार्ट करेगा, जो कि हम लोग आगे जाकर के सीखेंगे। वो भी एक कंडीशन बनेगा, अगर वो चिंगारी नहीं छोड़ रहा है इसका मतलब है कि ये हो रहा है, जिसको हम लोग डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं ना, डिस्चार्ज प्रॉपर्टी। ये चिंगारी छोड़ना, जब बादल उदल में होता है, बादल में होता है ना वो यही होने लगेगा तब जा करके। अरे वो बहुत बड़ा होता है वोल्टेज, उतना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना पॉसिबल भी नहीं है हमारे लिए, करते तो पॉसिबल है ये, छोड़ो डिस्कस क्या करना है। ये बात समझ में, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे नॉर्मल कंडीशन में, तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, ठीक है। अब इसी के कंटिन्यूशन में अगर हम एक बात करें कि अगर मेरे पास एक होलो हेमिस्फेयर है या फिर सॉलिड हेमिस्फेयर है, सॉरी सॉलिड स्फेयर है या फिर होलो सरफेस है, होलो चार्ज्ड स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर है और होलो स्फेयर है, ठीक है। तो हम इसे अगर बात कर रहे हैं तो सॉलिड स्फेयर यही है, इसमें हम कह रहे हैं कि चार्ज है, लेकिन चार्ज अगर मेटल है, ये सब मेटल के बारे में बात हो रही है, मेटल के बारे में बात हो रही है, मेटल है ये, तो मेटल है तो कोई भी अंदर में चार्ज होगा नहीं होगा, तो सारा चार्ज कहां होगा, इसके सरफेस पर आएगा। और कमाल का बात यह है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सारा चार्ज, क्योंकि हर जगह से सेम तरह कर्वेचर है, कहीं पर ज्यादा कहीं पर चार्ज कम तो नहीं हो सकता, ठीक है। इस तरह से हम कह देंगे कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा इसके ऊपर चार्ज। अब इसका मान लेते हैं रेडियस है कुछ आर। अब एक बात बताओ, यहां अगर प्लस चार्ज है तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा बाहर की तरफ ही, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा बाहर की तरफ, परपेंडिकुलर ही निकलेगा, तो वो कहीं ना कहीं रेडियली आउटवर्ड ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा ऐसे। अगर हम इस जगह पे बात करें, यहां पर अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो यहां पर से भी रेडियली आउटवर्ड ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा इसी लाइन में, यहां से परपेंडिकुलर हीट करते हुए निकलेगा ऐसे। आ रही बात समझ में? अगर मान लेते इस पे नेट चार्ज क्यू था, तो हम इस तरह से अज्यूम कर सकते हैं कि रेडियली आउटवर्ड हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है, ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है ना, रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलते जाएगा। तो अगर हम एनालाइज करें कि इस जगह पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहते, तो हमको नहीं लग रहा कि सारा पॉजिटिव चार्ज कहीं ना कहीं इस बीच में रखा हुआ है, तो पॉइंट चार्ज से भी तो ऐसा ही पैटर्न बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर हम इस जगह पर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ यहां पर ऐसे किसी एक्स डिस्टेंस पर अगर, या फिर आर डिस्टेंस बात करें, ठीक है, आउटसाइड ऑफ स्फेयर के ऊपर बात करें ना, पहला कंडीशन में इसका मतलब क्या हो गया, स्मॉल आर जो है बड़ा है कैपिटल आर के, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, k क्यूब बाय r स्क्वायर, सीधा सीधी मन से बोल सकते हैं क्या, पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड तो यही बनता था, तो ये लगभग लगभग में बिहेव कर रहा है पॉइंट चार्ज की तरह, सारा पॉइंट चार्ज यहीं बीच में रखा हुआ है, ऐसी कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, पैटर्न तो वही दिख रहा है, क्योंकि हम सीखे थे कि प्लस चार्ज या इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनता है, ऐसे बनता है, तो ये भी तो पैटर्न वही है, तो उसी तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड में क्या बनेगा, k क्यूब बाय r स्क्वायर, सीधा सीधे पॉइंट चार्ज का, यानी कि अगर कोई मेटालिक सॉलिड स्फीयर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही आएगा। कमाल का बात यह है कि अगर होलो स्फीयर होगा तो भी सारा चार्ज, अगर इसके ऊपर हमने मान लिया है क्यू है, तो भी प्लस का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही आएगा ना, इसका भी तो सेम पैटर्न बन रहा है क्या, तो सेम उसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड ही बनेगा बाहर में, एट सरफेस पर कितना बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि सरफेस पर यहां से तक का डिस्टेंस क्या हो गया, आर हो गया, और अंदर में हमको पता है कि अंदर में होता ही नहीं, पता है ना अभी, इन साइड क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो। ये कंडीशन हमारा दोनों के लिए आया, हॉलो स्फीयर कारण और सॉलिड मेटल स्फीयर कारण,
ये दोनों में ही सरफेस पर ही चार्ज रहेगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, पहला बात तो सीख लो, यहां से क्या लिखेंगे, फॉर हॉलो स्फेयर एंड सॉलिड मेटल स्फेयर या मेटालिक स्फेयर, ठीक है, बोथ बिहेव आइडेंटिकल इन नेचर, ठीक है, ऑल चार्ज ऑफ मेटल स्फेयर मस्ट बी एट इट्स सरफेस, ठीक है, सच दैट ई इनसाइड मस्ट बी इक्वल टू जीरो। यानी कि ये जो वैल्यूज आया है ये दोनों के लिए आ गया है, ठीक है, कॉपी करो जल्दी से। अगला सेक्शन है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मेटल हेमिस्फीयर एट इट्स सेंटर। एक मेटल हेमिस्फीयर है, ठीक है, यही है, कोई मान लेते हैं मेटल हेमिस्फीयर, यही मेटल है हेमिस्फीयर है, इसके सेंटर पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा हमको यह निकालना है। एक बात तो तय है कि अगर यह मेटल है सॉलिड है या हॉलो है, हर केस में चार्ज सिर्फ इसके सरफेस पर ही होगा, तो चार्ज अगर इसके सरफेस पर होगा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बन जाएगा। हमको ऐसे अगर हम बोल रहे हैं सेंटर पर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कितना होगा, बताने के लिए हम एक काम करते हैं, क्योंकि सिर्फ सरफेस पर ही चार्ज है तो हम एक काम करते हैं, कुछ छोटे छोटे एलिमेंट काट लेते हैं, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर निकाल लेते हैं और उसको धर के जोड़ देंगे। तो एक छोटा सा सेक्शन हम काट रहे हैं, इमेजिन करना है ये कैसा है, देखो हम ऐसे काटना है, अगर हम ऐसा काट दिए तो ये क्या बन रहा है बताओ तो, क्योंकि सारा चार्ज सरफेस पर है, ये तो रिंग टाइप का बनेगा क्या, है ना, दिस इज एलिमेंटल रिंग, ये क्या हो गया एलिमेंटल चार्ज्ड रिंग हो गया क्या, नहीं हो गया, ये तो कुछ इस तरह से चार्ज्ड रिंग हो गया ऐसा, अरे बस हमें। और अगर हम मान लेते हैं कि इस जगह को यहां से मिला देते हैं ऐसे, इसको भी यहां से ऐसे मिला देते हैं, तो ये एंगल अगर थीटा है और ये हो गया डी थीटा, ये लेंथ क्या बनेगा आर डी थीटा बनेगा, ये आर हो जाएगा तो यहां से यहां तक का लेंथ क्या बनेगा आर कॉस थीटा, अगर थीटा इधर है, और ये लेंथ क्या बनेगा आर साइन थीटा, यानी कि आर साइन थीटा क्या हो गया इस रिंग का रेडियस, यानी कि यहां से तक का जो लेंथ आया है ये तो हो गया r sin थीटा, अरे बस समझे, और इसका विड्थ कितना आ रहा है r d थीटा आ रहा है, इसके चार्ज को हम कह देते हैं dq, इसका चार्ज क्या बोल देंगे dq, तो dq बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा इंटू डी ए, तो सिग्मा इंटू डी ए, डी ए क्या हो जाएगा 2 पाई r इंटू लेंथ, यानी 2 पाई रेडियस कितना r sin थीटा इंटू लेंथ r d थीटा, ये इसका चार्ज हो गया। अब एक रिंग के कारण, ये देखो रिंग है, ये रिंग कुछ इसी तरह से आया क्या, रिंग इसी तरह से आया, इसके कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनता था, अभी ना सीखे थे के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर रेस टू दी पावर 3/2, बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनता था। अब यहां से तक का डिस्टेंस कितना है, देखो यहां पर आर कॉस थीटा दिख रहा होगा, देख लो इसके सेंटर से इसका डिस्टेंस क्या बन रहा है आर कॉस थीटा, इमेजिन करो, नहीं समझ में आ रहा फिर से देखो, ये अगर रिंग है तो हम इस रिंग को ऐसे निकाल ले और ये ऐसे दिख रहा है क्या ऐसे ऐसे, उसके कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है क्या यहां पर कितना बन रहा है इसी जगह पे, यानी कि सेंटर से ये डिस्टेंस कितना बना आर कॉस थीटा, इसका रेडियस हो गया आर साइन थीटा, ये हो गया हमारा एक्स जो इस फॉर्मूला में बनता था, इसका चार्ज को हम लिखते हैं यहां पर से, आप इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई, डी ई क्या हो जाएगा के इस रिंग का चार्ज जिसको हम कह देते हैं डी क्यू, यहां से तक का डिस्टेंस r cos थीटा अपॉन
यह था आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, इसका नाम था ये आर था और ये था एक्स, सॉरी ये था एक्स, यानी क्या बचेगा आर साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस में आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर रेस्ट टू पावर 3/2। ठीक है, के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर रेस्ट टू पावर 3/2 हो गया। ये अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें के डी क्यू जब लिखते हैं क्या सिग्मा 2 पाए आर साइन थीटा आर इंटू आर आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू डी थीटा डी क्यू जब हो गया, फिर से यहां से हो जाएगा आर कॉस थीटा अपॉन नीचे में देखो तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस का स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, यानी आर का क्यूब आ रहा है। देखो तो हो रहा है यहां से के का जब लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर आर स्क्वायर खत्म तो आर आ गया यहां से और साइन थीटा आर भी खत्म हो गया। हाँ साइन थीटा कॉस थीटा बचा, साइन थीटा कॉस थीटा इंटू डी थीटा हो गया, यहां से क्या डीई तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा इसको ऐड कर लेंगे, यानी कि सिग्मा अपॉन पाई से पाई काट देते हैं 2 sin theta cos theta को sin 2 theta लिख सकते हैं ना, वो लिख लेंगे यहां से 4 epsilon naught इंटीग्रल में बच रहा है sin 2 theta into d theta। अब theta का वैल्यू जाएगा 0 से लेकर के 90 डिग्री तक, 0 से लेकर के पाई बाय 2 तक सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सिग्मा अपॉन 4 epsilon naught सॉल्व कर लेना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू दिस हॉलो हेमिस्फेयर या फिर सॉलिड मेटेलिक हेमिस्फेयर, दोनों ही केस में सरफेस पर ही चार्ज होने वाले हैं, यानी क्या क्या बना बता दो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो हेमिस्फेयर एंड ऑल्सो सॉलिड मेटालिक हेमिस्फेयर। ठीक है, ये दोनों ही चीज आ रहा है इस वाले कंडीशन से, समझ में आ गया यहां तक बात। तो ये पूरा डेरिवेशन है, डेरिवेशन के लास्ट में हम सिर्फ ये फॉर्मूला हम लोग को पता होना चाहिए, डेराइव करो भी सीखो भी। देखो अब ये ऐसा ऐसा चीज से तो हम लोग 11 से ही दोस्ती है हम लोग का, आई थिंक सेंटर ऑफ मास से स्टार्ट किए थे, रोटेशन से बात किए थे, ग्रेविटेशन में आया था और फिर यहाँ भी आ गया, सेम तरह ही काम हो रही है। अब तो भाई पता हो जाना चाहिए कैसे कैसे चीजें काम करती हैं, ये सब नहीं पता है तो भी हम डिटेल में डिस्कशन किए हैं अभी भी यहाँ पर, कोई मतलब बनता नहीं है कि पीछे की चीज़ों को नहीं याद है सर ये वो है, तो ठीक है ठीक है कॉपी करो अभी तो है एक लास्ट। एक क्वेश्चन है ऐसे ही, हाँ थोड़ा लास्ट में देख लेते हैं क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन है तो थोड़ा ध्यान से समझना। एक है हमारे पास ये एक लाइन चार्ज और एक चार्ज यहां है वो भी लाइन चार्ज है, इसके ऊपर लेमडा 2 चार्ज डेंसिटी है लेनियर चार्ज डेंसिटी और यहां पर लेमडा 1 है। अब ये किस तरह का लाइन चार्ज है ये समझना, थोड़ा ध्यान देखना फिर से देखो, ये एक लाइन चार्ज दिखा ऐसे और दूसरा लाइन चार्ज ऐसे दिख गया ऐसे करके ऐसे ऐसे दिख रहा है, दिख रहा है ये पॉइंट दिख रहा है ना तुम लोग को, ठीक है ये कैसा है लाइन है जो कि ऐसे है, इन दोनों लाइन को बोलते हैं स्क्यू लाइन, क्या बोलते हैं इसको स्क्यू SKEW स्क्यू लाइन्स, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री जो हम लोग पढ़ेंगे जाकर के मैथमेटिक्स में लास्ट में उसमें हम लोग को मिलेगा ये, तो ये स्क्यू परपेंडिकुलर लाइंस हैं है ना, ये ऐसे भी हो सकता है स्क्यू लाइंस ऐसे भी हो सकता है ना ऐसे ऐसे है ना स्क्यू लाइंस ये दोनों है, लेकिन ये जो अभी है स्क्यू परपेंडिकुलर लाइन है ऐसे भी तो सकता है दोनों किसी ना किसी एंगल पर, देखो अभी अभी लग रहा होगा कट रहा है लेकिन है नहीं कट नहीं रहा ना ऐसे करके देखो है ना ऐसे, ठीक है इनको बोलते हैं स्क्यू लाइंस है ना ऐसे स्क्यू लाइंस, तो स्क्यू परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है तो यहां पर क्या हो गया ये स्क्यू परपेंडिकुलर लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन चार्जेस हमको जानना है इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, जबकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कुछ ए दिया हुआ है, इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा है ये निकालना है। फोर्स का पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग को पता है कि एक चार्ज कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा और दूसरे के ऊपर फोर्स लगा देगा,
दूसरे चार्ज के ऊपर। हम एक काम करते हैं, इस लिनियर चार्ज डेंसिटी के कारण, ये वाले के कारण, इस वाले रॉड के ऊपर फोर्स निकाल लेते हैं। हम एक काम करते हैं, इससे किसी आर डिस्टेंस पर रिज्यूम करते हैं, किसी आर डिस्टेंस पर, हम जानते हैं ये रॉड है तो रॉड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकल रहा होगा, ऐसे निकल रहा होगा चारों तरफ, है ना, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रहा होगा। तो अगर हम इस जगह पे छोटा सा एक सेक्शन काट लें तो इसके ऊपर इस रॉड के कारण ऐसे करके फोर्स लग रहा होगा, यहाँ पर देखा जाए तो ऐसे फोर्स लगेगा, यहाँ पर देखा जाए तो ऐसे फोर्स लगेगा, इस पर फोर्स ऐसे लगेगा, ऐसे लगेगा ना, उसका नाम हो जाएगा डी एफ। ये समझ में आया? देखो अगर एक लाइन चार्ज है तो इसके कारण ऐसे ऐसे ना इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा होगा, लाइन चार्ज अगर है तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा होगा, और यहीं पर हम एक रॉड रख दिए तो भाई सब फोर्स कैसे लगा, देखो ऐसे लगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तो वो हमने यूज कर लिया यहाँ पर। अरे ये लाइन है, ये लाइन है, समझ में आ रहा है ना, ये अंदर की तरफ जा रहा लाइन ऐसे, ठीक है, ऐसे लाइन जा रहा है, ठीक है, इसके कारण भाई यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ना रेडियली आउटवर्ड ही ना बनेगा, ठीक है। अब ठीक है, यहां पर ये सेंटर पर बन गया, रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया यहां पर, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स लगेगा उसको डीएफ कह देंगे, डीएफ बराबर क्या हो जाएगा, इसका छोटा सा चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड दिस रॉड, तो हम ये कह देंगे फोर्स एक्सपीरियंसेस बाय स्मॉल एलिमेंटल चार्ज डी क्यू ऑफ वायर टू इज गिवन बाय डी एफ, डी एफ इक्वल टू लैम्डा डी क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय लैम्डा वन, लैम्डा वन ने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया है, इसके छोटे चार्ज ने फोर्स एक्सपीरियंस कर लिया। अब अगर मान लेते हैं कि ये एंगल, कोई एंगल थीटा है और ये लेंथ वाई मान लेते हैं, इसका विड्थ कुछ जाएगा डी वाई, इसका चार्ज का नाम हो जाएगा डी क्यू, लिख सकते हैं, जिसका विड्थ हो जाएगा लैम्डा इनटू डी वाई, चार्ज पर यूनिट लेते हो ना तो डी क्यू इक्वल टू लैम्डा इनटू डी वाई हो जाएगा। लैम्डा किसका, इसका लैम्डा लेना पड़ेगा, इसका यहां पर लेना पड़ेगा लैम्डा टू, है ना, इसका लैम्डा टू दिया हुआ है चार्ज डेंसिटी, और ये भी पॉजिटिव मान लेते हैं तो इसके ऊपर फोर्स बाहर की तरफ ही लगेगा, ठीक है। यहां तक विड्थ है इसका डी वाई, विड्थ कितना इसका डी वाई, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, इस कारण से एक फोर्स ऐसे लगेगा डी एफ का कॉस थीटा ऐसे लगेगा, और एक ऊपर लगेगा डी एफ का साइन थीटा। अगर देखोगे तो जस्ट इधर के भी चार्ज के ऊपर ऐसे करके फोर्स लगेगा तो उसके कॉस थीटा कंपोनेंट ऐसे बनेगा, साइन थीटा कंपोनेंट ऐसे बनेगा, साइन वाले कट देगा, सिर्फ कॉस थीटा ऐसे से बनते जाएगा, तो सारा कॉस थीटा को जोड़ना पड़ेगा, अरे बस समझ में, तो डी एफ के कॉस थीटा को जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया कि फोर्स जो आ रहा है वो इंटीग्रल ऑफ डी एफ का कॉस थीटा को जोड़ देना पड़ेगा, तो नेट फोर्स क्या डी एफ क्या लिखेंगे, डी क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दिस रॉड, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दिस रॉड कितना होता है लैम्डा बाय 2 पाई आर एप्सिलॉन जीरो, पढ़े थे ना कितना होता था लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, ये ना होता था एक रॉड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी जगह पे आर डिस्टेंस पर, तो वही चीज लिख देते हैं यहां पर, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा लैम्डा 1 बाय 2 पाई, यहां से तक डिस्टेंस कितना आर है, आर एप्सिलॉन जीरो dq into lambda 1 by 2 power epsilon 0 electric field itna into cos theta, theek hai yahan tak, theek, dq ki jagah kya le denge lambda 1 into dy, sorry lambda 2 into dy into lambda 1 upon 2 pi r epsilon 0 into cos theta, ye ho gaya force, integrate karna hai, yahan se likh sakte hain lambda 1 lambda 2 upon 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, बाहर आ गया, अंदर में दिख रहा है हमको डी वाई कॉस थीटा अपॉन आर, डी वाई कॉस थीटा अपॉन आर दिख रहा है यहां से, अब इसको इंटीग्रेट कर रहा है। अब देखो y में वेरिएशन दिख रहा है, एंगल में वेरिएशन दिख रहा है, और r में वेरिएशन दिख रहा है, तीनों वेरिएबल है, cos थीटा sin थीटा tan थीटा लगा देते हैं, फटाफट यूज कर लेते हैं, तो r हमको चाहिए, इस दोनों में एक रिलेशन लगेगा cos थीटा का, तो cos theta इक्वल टू क्या हो जाएगा a अपॉन r, हमको r चाहिए था, a sec theta हो जाएगा, पहला चीज तो ये आ गया।
y और a में एक रिलेशन लगा सकते हैं tan थीटा का, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा y अपॉन a, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा a tan थीटा, तो y dy इक्वल टू क्या हो जाएगा a sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा। ये सब यूज कर सकते हैं फटाफट, देख लो लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो dy के जगह दिख सकता है a sec स्क्वायर थीटा इनटू cos थीटा d थीटा अपॉन r के जगह पे दिख रहा है a sec थीटा। एक sec से एक sec खत्म हो गया, इसका sec से cos भी खत्म हो गया, a से a खत्म हो गया, बच गया सिर्फ d थीटा। तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल ऑफ d थीटा क्या हो जाएगा, थीटा थीटा का वैल्यू क्या होगा, थीटा का वैल्यू देखो 0 से लेकर के 90 डिग्री तक, 0 से लेकर के 90 डिग्री तक जाएगा इसे, तो 0 से लेकर के पाई बाय 2 तक और मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, क्योंकि इधर भी तो फोर्स लगेगा, 2 से 2 खत्म हो गया तो पाई बाय 2 आ जाएगा, यहां पर 2 खत्म हो जाएगा, तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 बाय 2 एप्सिलॉन 0, ये हो गया इसका फोर्स। ठीक है, फोर्स कितना आ गया, लैम्डा 1 लैम्डा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज द फोर्स। देखो ये फोर्स तो कांस्टेंट है, और किधर लगेगा, बाहर की तरफ इस रॉड के ऊपर, इधर की तरफ फोर्स लगेगा। समझ में आ गया बात, तो उम्मीद करते हैं आज का चीज थोड़ा ज्यादा मैथमेटिकल था और थोड़ा ज्यादा कॉन्सेप्चुअल था। टेंशन नहीं लेना है, जिसको नहीं समझ में आया फिर से पूरे वीडियो को रिवाइंड करो, देखो, और उसके बाद एच सी वर्मा के अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल को लगाओ। अभी हम लोग ये था समझ लो इलेक्ट्रिक फील्ड का लास्ट वीडियो था, इसके बाद हम लोग को अब जरूरत पड़ जाएगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बात करने के लिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो से, यानी कि अगले लेक्चर से। रॉबर्ट रस्किन से बनाओ कुछ कुछ सवाल, ठीक है, और एरोडोव से भी बनाओ, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन तो एरोडोव के ही ले रहे हैं इसमें, ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखो। और अब थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि चीज़ें थोड़ी अच्छी चीज़ें ग्रिप में आ रही है ना, तो थोड़ा बनाओ सवाल को और झेलना है अभी से, ठीक है। अगले लेक्चर में देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स और उसके कंप्लीट कॉन्सेप्ट को देखेंगे, तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, घंटा दबाओ, जो करना है